क्या जय शाह और मोहसिन नकवी के बीच में आईसीसी को लेकर बातचीत हुई है? जय शाह और मोहसिन नकवी यहीं पे, ये आप जो कॉन्फ्रेंस रूम में आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं, यहीं पे जय शाह और मोहसिन नकवी मिले थे। वहां से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आईसीसी का एक्चुअल में एजेंडा क्या हो रहा है। एक तो आईसीसी ने पीसीबी को बजट एलोकेट कर दिया, हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना बजट एलोकेट किया गया है, और क्या जो एक्सटर्नल बजट की जो बात की जा रही थी कि आईसीसी जो है वो भाई एक्सटर्नल बजट भी रखेगा, इसलिए रखेगा कि अगर कोहोस्ट यूएई को बनाना है, श्रीलंका को बनाना है, तो उनमें से एक जो भी कंट्री होगी उसके लिए एक अलग से बजट भी रखा जाएगा। लेकिन जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अंदर की खबर लेकर आ रहा है कि जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया है पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने जबानी वो किया है, कोई रिटर्न में नहीं आया। और पाकिस्तानी मीडिया ये कर रहा है कि जी बजट अप्रूव हो गया और आई चैंपियंस ट्रॉफियां होगी। आप जानते हैं भारत को कि भारत किस तरीके से रखने अड़ाता है पाकिस्तान के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें, एशिया कप हमारे सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बात हुई है और अभी लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है, क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए, और उस सूरत में फिर क्या होगा आपके लिए? इस मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें 5 लाइनें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी थी। उसमें एक लाइन ये थी कि जो बजट है, अगर किसी दूसरे मुल्क में कुछ मैचेस मुंतकिल करने पड़े तो इतना बजट उसका रखना चाहिए। ये क्या है, इस तरह की बात थी। इट्स मीन कि आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए, जैसे कि एशिया कप में था, जो एक फ्लॉप तजुर्बा साबित हुआ था। अब बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह जाके पाकिस्तान के केस वहां पे पेश करते हैं और किस तरह इंडिया को कायल करते हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा, और बड़ी चलाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक एक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि जी हुकूमत ने मना कर दिया। मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ ये होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। अगर इंडिया या और लोग ये समझते हैं कि आईसीसी एक काउंसिल है, आईसीसी प्रेशर नहीं डाल सकता, अगर जो भी क्रिकेट बोर्ड, चाहे इंडिया चाहे कोई भी है, वो सिक्योरिटी की वजह से, ये किसी भी रीजन की वजह से कहता है जी हम सिक्योर नहीं, हम नहीं जाना चाहते, तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान भी हर दफा कर सकता है हम नहीं जा रहे जी, हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम तो इसी तरह नीचे लगे रहेंगे हर वक्त। ओ जी उसने नहीं आना, चलो जी हाइब्रिड रख दो, हमने वहां जाना है, चलो जी हम नीचे करके चले जाएं। हर दफा यही कह देना कि पैसा इंडिया लेकर आता है, सारे क्रिकेट बोर्ड चले जाते हैं। अब तो हमने ऐसा लगता है कि पानी सर से जो चला गया वो वाला मामला कर दिया है कि अब शायद संभल ही नहीं सकती है सूरत हाल। इस सूरत हाल को मोहसिन नकवी साहब किस तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि अरबों रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लग गया है इस वक्त स्टेडियम की तामीर पे, के चैंपियंस ट्रॉफी के 3 स्टेडियम्स अपग्रेड हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सबको पता होगा कल श्रीलंका में आईसीसी का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस था वो खत्म हो चुका है, और ऑफिशियल रिलीज में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो कोई खुलकर बात नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में ये खबर चल रहा है कि अनऑफिशियली जय शाह और मोहसिन नकवी के बीच बातचीत हुआ है, और जय शाह ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि भारत नहीं जाएगा, और आईसीसी भी अनऑफिशियल तरीके से हाइब्रिड मॉडल को लेकर भी चर्चा किया है और बजट भी साइड में रखा है को होस्ट कंट्री के लिए, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा तो फिर भारत अपना मैच श्रीलंका में खेलेगा या फिर यूएई में खेलेगा, उस हिसाब से एक बजट एक्स्ट्रा रखा गया है। हालांकि डिटेल्स डिस्कशन 2-3 महीने के बाद जब नेक्स्ट मीटिंग होगा वहां पर किया जाएगा, लेकिन अब ये एक तरीके से कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान 100% चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं करेगा। इस बात को लेकर जो भी रोना-धोना चल रहा है आप आखिर तक एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे ख्याल में वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि ठीक है एक नॉर्मल 4 रोजा इजलास था, बोर्ड मीटिंग की अभी खबर नहीं आई कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ, बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है, 8वें फ्लोर पर थे ये जय शाह, और सुनने में आया कि जय शाह के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी जिसकी वजह से कोई भी मीडिया का बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका, और मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे। लेकिन अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात है, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका, श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। देखिए अगर हकीकत की देखा जाए तो भारत की हठधर्मी तो है, पॉजिटिव तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वाज़े स्टैंड लिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाता तो उस सूरत में
आईसीसी जो कि एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की और जिसकी फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जय शाह है, तो क्या आईसीसी उस सूरत में इस टूर्नामेंट को बगैर भारत के पाकिस्तान में कराएगी? क्योंकि आप देखें ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक जो है वो भारत से और पाकिस्तान और इंडिया के मैच से असल आमदनी होती है, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में हुए, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि भारत के बगैर तो बिल्कुल बेकार होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है पाकिस्तान बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि ठीक है हम भी अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं कि ठीक है भारत नहीं आता ना आए हम उसके बगैर खेल लेंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारी चीजें हैं जो इन कॉन्टेक्स्ट, और चूंकि इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, डिले कर रहा है भारत, बजाय इसके कि आज कोई खबर आ जाती कि नहीं जी बजट मंजूर हो गया और जय शाह वहां मौजूद थे और ये कहा गया है कि भारतीय टीम हिस्सा लेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन वही उसी पे अटके हुए हाइब्रिड मॉडल पर। और अब श्रीलंका को उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, श्रीलंका को उन्होंने चढ़ाया है कि आप जो है मेजबानी के लिए तैयार रहे, जिस तरह एशिया कप के लिए आपको पता होगा कि बजाय दुबई के वो श्रीलंका ले गए। ये बजट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हुक्काम के साथ मिलकर बनाया गया है, यहाँ के फाइनेंशियल हुक्काम और आईसीसी के फाइनेंशियल हुक्काम ने ये बजट मिलकर बनाया है। और पहला एतराज़ जे शाह ने जो उठाया, क्योंकि वो आईसीसी की फाइनेंशियल कमेटी के सरबरा हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो इजाफी खराजात हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, इस हवाले से बताया जाए, और उन्होंने यहीं पर ही कोई थोड़ी सी तलवार रख के पैगाम देना शुरू कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। देखें बात यह है कि इससे तो जाहिर यही होता है कि उनका मकसद सिग्नल जो है ना वो ऐसा लगता है कि ना आने के मकसद मुतरादिफ है, मगर मैं समझता हूँ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आईसीसी को भी इंटरवीन करना चाहिए कि देखिए ये बात है कि बायलैटरल सीरीज तो कौन सी आईसीसी, आईसीसी का नाम जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल okay. वो तो एक आईसीसी जिसको हम कहते हैं वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो डिक्टेशन यही लोग ऐसा दे रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत के क्रिकेट बहुत कम से ज्यादा ऐसा लगता है। आपको एक सच्चाई से बताऊं, आपको नहीं महसूस होता कि जे शाह ने या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपना जनरल मैनेजर रखा हुआ है कि भाई ये प्रेस रिलीज जरा जारी कर दिया करें? मकसद है उनकी अपनी तो कोई अथॉरिटी दिखाई नहीं देती, आप अलॉट करते हो इवेंट, आप बैठ के बजट बनाते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सर देखें इससे बड़ी बात और क्या होगी, देखें अगर वो लोग कहते हैं जे शाह साहब करें, तो उसका मकसद है कि हमारी जो ना रिलेशनशिप जो ना दुनिया से या आईसीसी से इस तरह की नहीं है जिस तरह के इंडियंस की है। इससे ज्यादा वीक नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद हुई है, मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी सूरत हाल खराब नहीं थी। अगर आप मनमोहन सिंह साहब के दौर में चले जाएं या फिर आप और भी उनके जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो यहाँ पर भी आए थे, उस दौर में भी क्रिकेट हुई थी, लेकिन नहीं हुई तो मनमोहन साहब के दौर में नहीं हुई। देखें बात है कि इनके जनाब अली के दौर में नहीं हुई, मोदी साहब के दौर के अंदर जो है ना वो जाहिर है वो सियासी कार्ड है, वो इस पे खेलते हैं, और जाहिर सी बात है इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे वो लोग जो है ना इस बात को पसंद करते हैं। देखिए पाकिस्तान का ये रोंदना है कि लगभग 28 साल के बाद 1996 आखिर वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप था, जो पाकिस्तान को होस्ट कंट्री के तौर पर मतलब कोई आईसीसी इवेंट को होस्ट किया था। अब तक ऐसा कोई भी एक आईसीसी इवेंट नहीं है जिसे 100% पाकिस्तान ने होस्ट किया हो। 1996 वो भारत के साथ मिलकर को होस्ट किए थे और बाकी एशियन कंट्री भी शायद उस टाइम में शामिल थे, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे रीजन के कारण पाकिस्तान में तो कभी आईसीसी इवेंट हुआ नहीं, बीच में तो 8-10 साल क्रिकेट ही बंद रहा आतंकवाद के कारण। अब उनको चांस मिला था लेकिन भारत नहीं जाने से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पहले स्टेडियम वगैरह में बहुत कुछ इन्वेस्ट किए हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत के लोग जाएंगे तो उनको वो लूटेंगे, लेकिन अगर ऐसा अभी नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं होगा, इंडियन गवर्नमेंट तो बिल्कुल मूड में है नहीं, तो अभी तो चलो मामला बीच में थोड़ा लटक गया, अभी कुछ महीने के बाद जब चीज़ें और क्लियर हो जाएगी इनका रोना धोना और ज़्यादा चलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा वो सब चीज़ देखने को लेकर। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप बताइए अगर को होस्ट कंट्री के तौर पर हम ऑप्शन देख रहे हैं तो श्रीलंका और यूएई में से कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा? मेरे हिसाब से तो यूएई बेस्ट ऑप्शन है, बाकी आपको जो लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।